क्या आप जानते हैं कि टमाटर से यूरोपियंस डरते थे? या प्राचीन इजिप्ट में चूहों का इस्तेमाल किस लिए होता था? या फिर एक ऐसा आविष्कार जिसे सिर्फ $2 मिले थे? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। ऐसे मजेदार जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 1, ये तो सबको पता है कि मक्खियां बहुत तेज उड़ती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कितना ऊंचा उड़ सकती हैं? मक्खियों के नस्ल में से एक नस्ल है जिसे एल्पाइन बम्बल बी, जो कि कोलोराडो में पाई जाती है। जब साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि ये मक्खियां माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज़्यादा उड़ सकती हैं, जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 29,032 फीट और ये मक्खियां 30,000 फीट तक जा सकती हैं। फैक्ट नंबर 2, कछुआ दुनिया का एक धीमा जानवर जो पानी में भी होता है और जमीन में भी। आप सब तो इस बात से वाकिफ होंगे कि टॉर्टाइस के पीठ पर एक कवच होता है जिसे कैरापेस कहा जाता है। वो कवच एकदम भारी होता है जिसे टॉर्टाइस एक डिफेंस शील्ड की तरह यूज करता है। कभी कभी ये कवच उसके मौत का कारण भी बन जाता है, क्योंकि जब कभी भी टॉर्टाइस पीठ के बल पलट जाता है तो वो अपने आप से सीधा नहीं हो पाता, जिससे वो शदीद भूख और प्यास की वजह से मर जाता है। फैक्ट नंबर 3, अभी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं माइक्रोवेव ओवन के आविष्कार के बारे में। पर्सी स्पेंसर नामी शख्स ने 1939 में माइक्रोवेव ओवन बनाया था, जिसका पेटेंट रेथियन नामी एक कंपनी ने अपने नाम पे करवा लिया था, और पर्सी स्पेंसर को उस पेटेंट को बेचने के लिए $2 दिए गए थे, जो कि आज के वक्त के हिसाब से बस 166 रुपए होते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं मेडिकल एरर्स की वजह से दुनिया भर में हर एक साल कितने लोग मौत का शिकार होते हैं? मेडिकल एरर्स यानी एक बीमार व्यक्ति को गलत मेडिकेशंस दे देना या उसका गलत इलाज कर देना। दुनिया में आज लाख में से 100 व्यक्ति मेडिकल एरर्स का शिकार हो जाते हैं। मेडिकल एरर्स कई तरीके से होते हैं, जैसे कि गलत दवाई की वजह से एलर्जिक हो जाना, या एक बीमारी का इलाज दूसरी बीमारी समझकर कर देना, या सर्जरी के वक्त कुछ गलत हो जाना। दुनिया भर में हर साल लगभग 30 लाख से भी ज़्यादा लोग मेडिकल एरर्स का शिकार होते हैं। अपना ख्याल रखें और सोच समझकर इलाज करें, और बेहतर ये है कि अगर आपको कोई भी मेडिकल कंडीशंस हो तो एक से ज़्यादा डॉक्टर से कंसल्ट करें। फैक्ट नंबर 5, जानवरों में गर्दन को पीठ से जोड़ने वाली हड्डियाँ जिसे वर्टेब्रे कहते हैं, जो पूरे 7 हड्डियाँ होती हैं। जिराफ, जो कि एक लंबा जानवर है जिसके पास दुनिया में मौजूद जानवरों में से एक बड़ी गर्दन है, उसके पास भी 7 वर्टेब्रे होते हैं, लेकिन स्लाथ, जो कि एक सुस्त जानवर है, उसके पास 8 या 9 भी पाए जाते हैं। कमेंट करो कि क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था। फैक्ट नंबर 6, इंसान जब REM स्लीप यानी डीप स्लीप में जाते हैं तो वो ख्वाब देखते हैं, लेकिन साइंस का मानना यह है कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि चूहे भी REM स्लीप मोड पे जाते हैं, और चूहे भी ख्वाब देखते हैं, जैसे कि उन्हें खाना मिला हो या एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो। फैक्ट नंबर 7, यूरोपियंस ने टमाटर का नाम जहरीला सेब रखा था, क्योंकि उनका ये मानना था कि अरिस्टोक्रेट्स के बीमारी और मौत की वजह टमाटर है। अरिस्टोक्रेट्स उन्हें कहते हैं जो लोग अरिस्टोटल नाम के एक ग्रीक फिलोसोफर या दार्शनिक को फॉलो करते थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि अरिस्टोक्रेट्स जिस प्लेट में खाते थे उस प्लेट की बनावट में दूसरे भी मटेरियल्स पाए जाते थे, जो कि टमाटर के एसिडिक कंटेंट के साथ मिलते तो जहर बन जाते, और लोग जब इसका सेवन करते तो मर जाते थे। गलती प्लेट में छुपे मटेरियल्स की थी और सजा टमाटर को मिली। ये मामला पूरे 200 साल तक चलता रहा। फैक्ट नंबर 8, प्राचीन काल में इजिप्ट के लोगों के पास दवाइयों का ज्ञान नहीं था, इसी वजह से वो खुद पर या किसी और पर अजीबोगरीब मेडिकल ट्रायल्स करके बीमारियों का इलाज ढूंढते थे। प्राचीन इजिप्ट के लोगों का ये मानना था कि अगर किसी को दांत में दर्द हो तो वो मरे हुए चूहे का पेस्ट बनाकर और कुछ जड़ी बूटियों के साथ मिलावट करके इस्तेमाल करें तो दर्द कम हो जाता है, लेकिन आज हम जानते हैं कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स की थी उससे दर्द कम तो नहीं होता बल्कि इन्फेक्शन ज़रूर हो जाएगा। तो ये थी आज के कुछ अजीबोगरीब फैक्ट्स। आगे और ऐसे फैक्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट में अपने विचार बताएं। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यूनिवर्स वी नो।